बहुत टाइम से ये कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि युविका चौधरी और प्रिंस नरूला की शादी खतरे में है। प्रिंस नरूला युविका चौधरी जल्द एक दूसरे से अलग होने जा रहे हैं, ऐसा भी सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। हाल ही में रियलिटी शोज के किंग प्रिंस नरूला और युविका चौधरी एक प्यारी सी बेटी के मम्मी पापा बने। इसी बीच दोनों के रिश्ते में मन मुटाव की खबरों ने फैंस को परेशान करके रख दिया। खबरें यहां तक आने लगी कि दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और जल्द दोनों तलाक ले सकते हैं। दरअसल प्रिंस ने कुछ दिनों पहले अपने व्लॉग में बताया कि उनकी वाइफ युविका ने उनसे और उनके परिवार से डिलीवरी की बात को छुपा कर रखा। अब युविका ने तलाक की खबरों पर फाइनली चुप्पी तोड़ी है और अपना पहला रिएक्शन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने रीजन भी बताया कि आखिर क्यों उन्होंने प्रिंस नरूला से डिलीवरी की बात को छुपाया। युविका चौधरी ने प्रिंस नरूला को डिलीवरी की बात नहीं बताने पर छुपी तोड़ते हुए व्लॉग शेयर किया। अपने व्लॉग में एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे डॉक्टर ने डिलीवरी की डेट से 2 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कहा था। मैं इंतजार करना चाहती थी क्योंकि प्रिंस को 1 या 2 दिन के अंदर अपनी शूटिंग से ब्रेक मिलने ही वाला था। युविका ने आगे बताया कि वो चाहती थी कि प्रिंस नरूला डिलीवरी के टाइम पर उनके साथ रहें। उन्होंने उसके साथ वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें वो घर जा रहे हैं। युविका ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी फैमिली को हॉस्पिटल में आने के लिए कहा था कि बच्चा जल्द होने वाला है। एक्ट्रेस के खुलासे के बाद अब फैंस भी कंफ्यूज है कि शायद दोनों के रिश्ते में कुछ अनबन चल रही है। प्रिंस नरूला और युविका चौधरी के बीच तलाक की खबरें तब सामने आई जब प्रिंस ने पिता बनने के बाद अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। उनके बर्थडे पर युविका ने उनकी पोस्ट पर रिप्लाई करना तो दूर की बात, उन्हें विश तक नहीं किया। युविका अपने पति की किसी भी फोटो तक का हिस्सा नहीं थी। ऐसे में खबरें आने लगी कि दोनों के बीच में कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। इसके बाद प्रिंस ने एक व्लॉग शेयर करते हुए बताया था कि उन्होंने अपनी बेबी गर्ल के जन्म की तारीख का कुछ भी पता नहीं। युविका ने उन्हें डिलीवरी डेट नहीं बताई थी, यहाँ तक कि उनके परिवार को भी इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। प्रिंस ने बताया कि उन्हें एक दोस्त के जरिए पता चला कि वो पिता बन गए हैं। अब जब प्रिंस नरूला इस तरीके का स्टेटमेंट देंगे तो फैंस को क्या लगेगा? इसमें फैंस की तो कोई गलती नहीं, लेकिन लोगों का मानना है कि प्रिंस नरूला बाप बनने से ज्यादा इस बात से दुखी थे कि उनकी बच्ची के डिलीवरी के टाइम पर ना तो उनकी फैमिली और ना ही वो उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थे। अब जिस तरीके से प्रिंस नरूला युविका को लेकर बातें करते नजर आए और अब युविका का रिएक्शन सामने आया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी आपकी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।